तो गाइस मैं हमारे जो ब्लैक पेपर है वो लेके आ चुका हूँ भाई, ठीक है। तो चलो गाइस इसे अभी हमारा जो कल मैंने पॉन्ड बनाया था उसके ऊपर हमें डालना है। काफी ज्यादा बड़ी होने वाली भाई पेपर। ये देखो गाइस, ये वाला जो पॉन्ड है हमने इसको कल ही यहाँ पे इसकी जो ईटे है यहाँ पे स्क्वायर बनाया था, तो इसके ऊपर ही भाई ये हमारी ब्लैक वाली शीट रहने वाली है। गाइस हमारे यहाँ पे यार हवाएं इतनी ज्यादा चल रही है यार, तो उसी की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हुई ये वाला जो कागज है ना इसे सेट करने में। ये वगैरह हमारे पास कम थी तो मैंने ये वाले जो प्लांट्स है यहाँ पे रख दिए, वहाँ पे प्लांट्स है तो उठा के मैंने यहाँ पे रख दिए, ठीक है। और गाइस अभी मैं पानी भर रहा हूँ, थोड़ा इधर से कागज नीचे आ गए, जैसे पानी भरेंगे लेवल में आ जाएगा, देखते है भाई। बहुत ज्यादा हवाएं चल रही है ना, हवाएं चलने की वजह से यार बहुत ज्यादा दिक्कत है यार, कम्प्लीट एक घंटे से ज्यादा लग गया अभी इसे सेट। चलो इसे भी पानी भरने देते फिर इसके क्या हाल होते थे। तो फाइनली गाइज हमारा जो पॉन्ड है इसका वर्क कंप्लीट हो चुका है, और ये देख सकते हो भाई हमें काफी ज्यादा टेंशन हो गई थी गाइज, क्योंकि ना इसका जो पेपर है भाई बहुत ज्यादा हवा से उड़ रहा था तो भाई सेट ही नहीं हो रहा था। बट जैसे हमने यहाँ पे पानी वगैरह भरना स्टार्ट किया तो ये उसका सेट होना स्टार्ट हो चुका है। ये देखो भाई वहाँ पे थोड़ा ये पड़ रहा है, तान पड़ रहा है, तो वहाँ पे कुछ करना हो गया हमें। और यहाँ पे हमारा डोरी ना भाई, तो इजिली यहाँ पे ना भाई स्विम कर सकता है। डोरी स्विम करता क्या? नहीं यार, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। और गाइज ये जो प्लांट्स है ना, मेरा प्लानिंग है कि भाई ये यहीं पे रखो, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा लुक दे रहे। कुंडिया थोड़ी यार हमारी अलग अलग है भाई, कोई नहीं यार, जब मैं नर्सरी जाऊंगा ना तब हम अच्छी कुंडिया भी लेके आएंगे। कल मैंने हमारे जो टक्सेडो गप्पीज थे इन टबों में रखे थे, यहाँ पे हमारी फीमेल गप्पीज रखी थी और यहाँ पे मैंने हमारे मेल गप्पीज रखे थे। तो चलो गाइस हमारे मेल गप्पीज और फीमेल गप्पीज ऊपर छोड़ देता हूँ। चलो गाइस सारे गप्पीज मैंने पकड़ लिए दोस्तों, तो चलो गाइस इनको अभी हम ऊपर लेके जाते हैं। तो गाइस अभी हमारा जो पॉन्ड है ऑलमोस्ट भर ही चुका है, सिर्फ 20% बाकी, भाई उधर तक भर जाएगा तो हमारा पूरा पॉन्ड भर जाएगा, ठीक है। और गाइस ये देखो यार हमारी ये फीमेल गप्पीज हो गई गाइस, और ये हो गई भाई हमारे मेल गप्पीज, और मैं कुछ बच्चे भी लेके आ गया था। ये देखो यार ये बच्चे हो गए। तो चलो गाइस इनका पहले मैं ना भाई 10 मिनट्स के लिए अच्छे से वाटर एक्लिमेट कर दूंगा, ठीक है गाइस, फिर हमारे में सारे गप्पीज यहाँ पे छोड़ने वाला हूँ। ये देखो यार काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है यार ये। तो गाइस हमारे जो गप्पीज है इनका जो वाटर है एक्लिमेट हो चुका है, और आप इनकी ब्यूटी देखो यार गाइस, वाह क्या ही लुक दे रहे यार गाइस। ये देखो यार ये हो गए गाइस हमारे व्हाइट टक्सेडो। तो चलो गाइस मैं देर नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं इनको यहाँ पे छोड़ता हूँ। ये यहाँ पे छोड़ दिए हमारे व्हाइट टक्सेडो। तो गाइज यहाँ पे ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है, ब्लैक बैकग्राउंड में ये काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने वाली, ये देखो यार क्या ही चमक रही है यार, वाओ। तो गाइज मैंने मेल गप्पीज तो छोड़ दिए, अभी हमारे फीमेल गप्पीज की बारी। ये देखो यार फीमेल तो हमारे पास बहुत सारी है यार, ये देख रहे हो गाइज इनकी साइज यार। तो चलो भाई इनको भी मैं अभी यहाँ पे छोड़ता हूँ। वाओ भाई ये बाकी बची फीमेल्स हैं, तो चलो भाई इनको भी मैं अभी यहाँ पे छोड़ देता हूँ। भाई मैं इनकी साइज देख रहा हूँ शॉक भाई, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम हमारे सेटअप में इतने बड़े टक्सेडो देखे हैं भाई। चलो भाई जाओ 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 यार, क्या ही खूबसूरत लग रहे हैं भाई ये। चलो गाइस मैंने मेल फीमेल तो छोड़ दिए, बट इनके जो बच्चे ये बच गए, तो चलो गाइस भाई बच्चे भी मैं यहाँ पे छोड़ दूँ, काफी ज्यादा बच्चे आ रहे। चलो भाई बच्चों को भी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, जाओ भाई। ये देखो यार आओ, ये देखो गाइस ये है भाई हमारी न्यू व्हाइट टक्सेडो गप्पीज। भाई ये देख रहे हो गाइस, ये ना भाई एक दूसरे के पीछे ही भाई एक लाइन में एक साथ घूम रही है यार, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है भाई ये मंजर भाई साहब। ये देखो यार वाओ जबरदस्त। और गाइस ये हो गया भाई हमारे व्हाइट टक्सेडो गप्पीज का सेटअप, और इसके ही साइड में है भाई हमारे डम्बो ईयर गप्पी फिश। अभी हमारे डम्बो ईयर गप्पी फिश यही पे रहने वाले, मैंने इनको सोचा था भाई बड़ी टंकी वगैरह दू, बट यहाँ पे ये बहुत अच्छे से रह रहे, इनको बहुत सारा हाइडिंग स्पेस है भाई, अलगी तो बहुत सारी यार यहाँ पे। और बिल्कुल उनके साइड में है भाई हमारी गुरामी फिश, ठीक है, क्योंकि आपको पता है भाई हमारे पास एक गुरामी फिश अच्छा पेयर है ब्रीडिंग, तो बहुत जल्द ये भी यहाँ पे अंडे दे देंगे भाई पता नहीं। और यहाँ पे गाइस हमारी गोल्डन मॉलीज, ठीक है, और यहाँ पे तो मैंने हमारे गुरामीज के बच्चे छोड़े, अभी वो देख नहीं रहे यार।
गाइस आपको पता है भाई ये हमारे व्हाइट मॉली का पॉन्ड है और यहाँ पे भाई मुझे ना छोटे छोटे बच्चे नजर भी आने लगे यार। ये देखो मैंने अभी जस्ट यहाँ से ना 1 2 3 4 बच्चे कैच किए और यहाँ पे बहुत सारे यार। यहाँ का जो वाटर है ना गाइस ये ग्रीन होने की वजह से यार इनके बच्चे बचे रहते हैं। एक मिनट यार कहाँ गए यार, यहाँ पे बहुत सारे थे। मैंने यहाँ पे जो पानी ना हर 3 दिन में भर रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे भाई 3 दिन में पूरा पानी खाली हो जाता है। ये देखो यार भाई मुझे एक पता नहीं चल रहा है यार गाइस ये हमारे व्हाइट मॉली मैंने यहाँ पे छोड़े हैं बट इनका जो कलर है ना यार इसे ब्लैकिश क्यों यार मुझे ये नहीं पता चल रहा है। गाइस अभी मॉर्निंग हो चुकी है और सारे पौधों को भाई मैंने पानी दे दिया। तो चलो गाइस अभी हमें आज क्या करना है आपको बताता हूँ भाई। गाइस आज हमें क्या करना है भाई, यहाँ से भाई हमारे है भाई ब्लैक गप्पी और यहाँ पे भाई हमारे मोज़ेक गप्पी। तो गाइस यहाँ पे इतने सारे बच्चे हो गए भाई कि इनको यहाँ पे ग्रो होना थोड़ा मुश्किल होगा यार, जल्दी ग्रो नहीं होंगे। इनको हम जितनी बड़ी स्पेस देंगे उतने जल्दी गप्पी इसके प्राइस जल्दी बढ़ेंगे। तो मैंने सोचा है कि भाई हमारे पास तो 2 टब खाली ही पड़े, यहाँ पे मैं ब्लैक गप्पी के फ्राइज रख देता हूँ और यहाँ पे हमारे मोज़ेक गप्पी के फ्राइज रख देता हूँ, मतलब ये जल्दी जल्दी यहाँ पे ग्रो हो सके। तो चलो गाइस अभी मैं यहाँ से जल्दी जल्दी इनको पकड़ लेता हूँ और यहाँ पे इनको छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मुझे पानी भी भरना होगा, वैसे तो मैंने यहाँ पे दवाई वगैरह थोड़ी बहुत मिस की है तो पानी थोड़ी देर के बाद मैं ही भरूंगा मैं। तो चलो गाइस इनको भी जल्दी जल्दी पकड़ना होगा। गाइस मैंने हमारे सारे ब्लैक गप्पीज के बच्चे पकड़ लिए। ये देखो यार इतने सारे बच्चे निकले यार, ये जरूर 100 के प्लस होंगे। तो चलो गाइस मैं इनको अभी ना इस वाले टब में छोड़ देता हूँ। और गाइस आपको पता है इनमें कुछ गप्पी के बच्चे थोड़े बड़े कुछ छोटे। चलो भाई इनको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, क्या ही गजब लगेंगे यार यहाँ पे जैसे जैसे ग्रोथ होंगे ना यार यहाँ पे पूरे ब्लैक गप्पीज ही हो जाएगी भाई हमारे। वाह तो चलो भाई यहाँ पे मैंने इनको यहाँ पे छोड़ दिया, जाओ भाई। अरे यार ये जा ही नहीं रहे यार। चलो यार अभी हमारे मोज़ेक के बारे तो एक एक करके ये भी मैं सारे पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे भी बहुत सारे मोज़ेक यार। गाइस ये हो गए भाई हमारे मोज़ेक गप्पीज के फ्राइज, ये थोड़े कम निकले यार पता नहीं क्यों। ये देखो यार इसमें भी कुछ बच्चे इतने बड़े हो गए कि भाई इनको टेल को कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो चलो गाइस इनको भी मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। ये गए भाई हमारे सारे मोज़ेक के छोटे बच्चे। और गाइस आपको पता है यार यहाँ पे मैं इनके लिए प्रॉपर हाइडिंग स्पेस भी देने वाला हूँ क्योंकि ये जल्दी जल्दी ग्रो हो सके यार, ठीक है। मतलब कुछ हम यहाँ पे लाइव प्लांट्स वगैरह यहाँ पे ऐड करने वाले। तो चलो गाइस अभी इनका ना 2-3 घंटे के बाद मैं यहाँ पे इतना पानी भर देने वाला हूँ और यहाँ पे भी सेम पानी भरना होगा हमें। गाइस ये वाला टैंक तो मैंने कल ही सेट किया था और चलो गाइस इनको अभी मैं इनका फीड दे देता हूँ। ये देखो यार क्या ही, अभी हमारे सारे फिश यहाँ पे सेट हो चुकी है और मुझे यही टेंशन था यार। तो चलो भाई इनको मैं अभी दे रहा हूँ ब्लड वॉर्म। ये देखो यार ये अभी प्रॉपर फीडिंग लेना स्टार्ट हो चुके, ये प्रॉपर फीडिंग ले रहे हैं भाई हमारे यहाँ पे। ये देखो गाइस ये देखो भाई जबरदस्त। मैं आपको है ना भाई हैप्पी न्यूज देने के लिए जा रहा हूँ यार, तो बहुत ज्यादा मतलब खुश हुआ भाई ये चीज देख के। तो गाइस आपको पता है यार इस वाले पॉन्ड में हमने ब्लैक कलर के श्रिम्प छोड़े थे कुछ महीनों पहले, मतलब 1-1.5 महीना तो इनको हो ही चुका होगा यार, ठीक है। और गाइस मैंने सोचा था भाई ये मल्टीपल हो जाएंगे और भाई बिल्कुल वैसा ही हुआ भाई। ये देखो गाइस आपको दिखाता हूँ भाई, मैं आपको दिख रही है यार ये छोटा बच्चा दिख रहा है भाई, ये मैंने आज देखे यार। ये देखो यार ये हमारे ब्लैक श्रिम्प का छोटा बच्चा है भाई। ये तो छोड़ो यार यहाँ पे भी देखो यार ये भी एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा श्रिम्प है और यहाँ पे बहुत सारे श्रिम्प है भाई। ये हमारा सबसे बड़ा श्रिम्प है। और भाई जैसे जैसे हम पूरे पॉन्ड के नज़र मारेंगे ना भाई सारे बच्चे हमें दिखना स्टार्ट है भाई। ये देखो बहुत छोटे बच्चे भाई, एक मिनट में आपको ना इस बाउल में लेके दिखा तो भाई ये कैसे होते हैं। तो गाइस मुझे यहाँ से जितने श्रिम्प मिल सके मैंने यहाँ से उठा लिए और ये देखो यार ये देखो गाइस यहाँ पे मैंने कितने श्रिम्प छोड़े थे यार, यहाँ पे मैंने लगभग यार मतलब 7-8 श्रिम्प कुछ छोड़े थे और यहाँ पे हमने रेड कलर के छोड़े थे। रेड कलर तो कोई रिजल्ट नहीं है बट ब्लैक कलर के श्रिम्प ने तो जरूर रिजल्ट दिया। ये देखो यार क्या ही खूबसूरत लग रहे यार। और गाइस मुझे तो अभी इनको लेकर तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, तो इनके लिए मैं एक बड़ा सा टैंक सेटअप बनाने वाला हूँ। मतलब ये मल्टीपल होते हैं भाई सच में, मैं मुझे लगा था ये नहीं होते होंगे बट मैंने देखा भाई, मैंने खुद इनको ट्राई किया एक्सपेरिमेंट किया और ये होते हैं भाई, ठीक है। ये देखो यार अभी भी जो फीमेल है ना भाई ये देखो ये फिर से मतलब है ना बच्चे देने वाली क्योंकि इसके पेट में ना अंडे देखे भाई मैंने। देखो यार क्या ही जबरदस्त लग। चलो इनको मैं तो अभी फिलहाल के लिए छोड़ देता हूँ। और गाइस आपको ये हैप्पी न्यूज कैसी लगी आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इनके लिए तो मैं एक बड़ा सा टैंक ही बनाने वाला हूँ, मैंने सोच लिया यार। रेड श्रिम्प के लिए अलग रखेंगे, येलो भी श्रिम्प में लाने वालों, पर लास्ट टाइम में मार्केट गया था येलो श्रिम्प मुझे नहीं मिले तो मुझे सिर्फ ब्लैक और रेड मिले थे। तो इनके लिए हम तो अभी फिलहाल के लिए तो अलग अलग सेटअप करने वाले, ठीक है। उनके लिए सोचेंगे, मुझे थोड़ी बहुत आइडिया देना यार। भाई हमारे यहाँ पे हवा इतनी चल रही है, धूल देख रहे हो यार, ये सारे ना भाई रात की धूल है, मतलब रात को जितनी धूल आती है ना ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे आ गई है यार क्योंकि हवाएं बहुत ज्यादा चल रही है गाइस।
तो चलो गाइज, आज हमने हमारा जो वर्क था वो डन कर दिया यार। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करना। अभी तो बहुत सारे काम है, मुझे अच्छे से क्लीनिंग करना होगा जो बैक वाला पोर्च है और जो आगे वाला पोर्च है, मैं अच्छे से क्लीन करना होगा यार। तो चलो गाइज, इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करता हूँ, और आपको आज का वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।